जब एक साम्राज्य के युद्ध के ढोल को धाम के ढोल से बदल दिया जाता है, वे साम्राज्य शीघ्र या बाद में पतन के लिए बाध्य हो जाता है। महान मौर्य साम्राज्य का प्रताप सिंहासन पर बैठे अपने अक्षम एवं प्रतिज्ञा दुर्बल शासकों के भार से नीचे गिर रहा है। सामंत वास्तुतः स्वतंत्र होते जा रहे हैं और साम्राज्य में भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रा में है। विशाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं असुरक्षित हो गई है। उत्तर पश्चिम में और सागाल के पास यवन गतिविधियां असाधारण तरीके से बढ़ जाते हैं। परंतु मौर्य प्रशासन यवनों की साम्राज्य खाटी गतिविधियों को अनसुना करता रहा। यवनों अर्थात इंडो ग्रीक की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। ये मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। यवनों ने मुख्य भारत भूमि को चांदी के बुलिया के आपूर्ति को काटकर अपनी बढ़त को तेज करने का फैसला किया। लगता है वे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। चांदी के आयात में कटौती के साथ साम्राज्य एक मुद्रा संकट से ग्रस्त है। इस आबादी के दौरान पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों के स्थान पर मारने वाले तंबे के सिक्कों को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने से ये स्पष्ट है। और फिर सभी भारतीयों की भय के पर्याय सालिस्युका के शासनकाल के दौरान या उसके ठीक बाद यवनों ने मुख्य भूमि पर आक्रमण किया और उनका नेतृत्व उनके राजा यवन सम्राट दिमित्रियस ने किया। वे अपने निवास के स्थान से पूर्व की ओर कूच करता है और फिर अपने सेना को विभाजित करता है। एक सेना दक्षिण की ओर गुजरात की ओर बढ़ता है, दूसरी सेना पाटलिपुत्र की ओर पूर्व की ओर बढ़ती है। माध्यमिका जो वर्तमान चित्तौड़ के पास पड़ता है, सौराष्ट्र और सिंध में यवनों का आक्रमण जारी है। इन क्षेत्रों के आदिवासी कुलीनान तंत्र समूह हार गए हैं। इस बीच दूसरी सेना विजय हासिल करते हुए पांचाल और मथुरा से कूच कर रहे हैं। दोनों सेनाएं फिर साकेत में मिलते हैं। आक्रमणकारियों द्वारा शहर के सुरक्षा को स्थलपूर्वक तोड़ दिया गया। अब उन्होंने पवित्र गंगा को पार किया और पाटलिपुत्र को घेराने के लिए अपना पड़ाव डाल दिया। मौर्यों ने कुसुमध्वज की मिट्टी के दीवारों पर अपना बचाव किया। एक बड़ा संघर्ष आरंभ होता है और क्षेत्र पूरी तरह अराजकता में है। यवन लोगों पर अत्याचार करते हैं और जाहिर तौर पर वे पाटलिपुत्र में 5 शासकों को जला देते हैं। जबकि रक्षक उन्हें खदेड़ने का प्रबंध करते हैं, यवन अभी भी सक्रिय और खतरनाक है। इस बिंदु पर उत्तर पश्चिम में यवन भूभागों में एक गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होती। दिमित्रियस यूक्रेटिड से लड़ने के लिए अपना यवन क्षेत्रों में वापस लौटता है, लेकिन मथुरा और अन्य विजित क्षेत्रों में अपनी टुकड़ियों को छोड़ जाता है। हालांकि मौर्य सम्राट बृहद्रथ अभी भी उन्हें बाहर करने के लिए प्रासंगिक कदम नहीं उठा रहे हैं और सेनापति पुष्यमित्र की मजबूत सैन्य कार्रवाई की मांग भरी कानों पर पड़ती है। उसके ऊपर विदर्भ के मौर्य राज्यपाल याज्ञसेन ने अपने रिश्तेदार मंत्री कौंडिन्य द्वारा समर्थित स्वतंत्र घोषित की। पुष्यमित्र विदर्भ के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन सम्राट बृहद्रथ ने मना कर दिया और कौंडिन्य को शर्तों पर चर्चा करने के लिए भेजा। पाटलिपुत्र पर एक और यवन आक्रमण की आशंका अभी भी मंडरा रही है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मौर्य सम्राट की अक्षमता मौर्य दरबार में बढ़ते बृहद्रथ विरोधी गठबंधन को बढ़ा देती है। पुष्यमित्र पूरी मौर्य सेना का बृहद्रथ का सामने संचालन करता है और अपनी ताकत दिखाने के बाद अक्षम और प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राट को समाप्त कर देता है और खुद को मगध के सिंहासन पर
नए शासक के रूप में स्थापित करता है। फिर नहीं देखेगा पाटलिपुत्र कभी प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राट का शासन। पुष्यमित्र के राज्याभिषेक के बाद वे यवनों को वापस खदेड़ने और पूरे मौर्य भूमि को फिर से जीतने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करता है। पुष्यमित्र अपने बेटे अग्निमित्र को पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भेजता है, जो खुद को विदिशा में स्थापित करता है। तब पुष्यमित्र अपने सैनिकों को पूर्व की ओर बंगाल की ओर ले जाता है। और सभी भूमि को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वहां से वे पश्चिम की ओर बढ़ता है। और यवनों का वध करता है। अयोध्या, पांचाल, मथुरा अंततः आक्रमणकारियों से वापस ले लिए गए। अग्निमित्र दक्षिण पश्चिम की ओर चित्तौड़ की ओर मुड़ता है और फिर सिंधु के दक्षिणी तट पर राजधानी दत्तामित्र को बर्खास्त करने के लिए सोविराज जाता है। पुष्यमित्र तब अपने भुजाओं के बल पर पंजाब को अपने नियंत्रण में ले आता है और सियालकोट और जलंधर को लूट लेता है। सियालकोट में ये संदेश देने के लिए कि राजद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वे उन बुद्धों का नरसंहार का आदेश देता है जिन्होंने पुराने मौर्य शासन पर मेलच्चो यवनों का समर्थन किया था। अपने अंतिम विजय में पुष्यमित्र ने कश्मीर को बर्खास्त कर दिया। और इसे अपने साम्राज्य में एकीकृत किया। पाटलिपुत्र में अपने राजधानी लौटने के बाद पुष्यमित्र ने भरतों के बाद पहली बार यश्यमेध यज्ञ करके अपना विजय का उत्सव मनाया। यज्ञ की अध्यक्षता स्वयं महर्षि पतंजलि करते हैं। वैदिक संस्कारों, त्योहारों और समारोह को दशकों के बाद एक एकीकृत साम्राज्य के तहत अंतात बहाल किया गया। देश भर में नए मंदिर दिखाई देने लगते हैं। सांची और भरूत के स्तूपों का भी विस्तार और सजावट की जाती है। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य सहित बहुत सारे हिंदू शास्त्र संकलित किए जाते हैं। नतीजतन साहित्य साम्राज्य में पनपता है। पुष्यमित्र का शासन दशकों से समृद्धि से चिन्हित है। जबकि वे पाटलिपुत्र से शासन करते हैं, उनका पुत्र अग्निमित्र ने अगले शुंग सम्राट के रूप में विदिशा में दरबार लगाया। इन सब के बीच विदिशा में हमें एक प्रेम कहानी आकार देते हुए मिलती है। कथा महान कवि कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में वर्णित है। महल के बगीचे में रानी के दो दासियां वकुल बालिका और कौमदिका बात कर रहे हैं कि कैसे राजा अग्निमित्र ने दासी मालविका के चित्र को एक समूह चित्र में देखकर प्रेम से आशक्त हो गए हैं। और अपने रानी ने उनकी भावनाओं के बारे में पता लगाने के बाद उन्हें अपने पास रख लिया है। मालविका राजा के पहुंच से बाहर है। यह भी पता चला है कि मालविका को वास्तव में रानी धारिणी को उनके भाई वीरसेना ने उपहार में दिया था। इस दौरान विदर्भ के अग्निमित्र और याज्ञसेन के बीच संघर्ष अभी भी चल रहा है। जबकि अग्निमित्र ने याज्ञसेन की जीजा मौर्य सचिव को बंदी बना लिया है, वही याज्ञसेन ने अग्निमित्र की सहयोगी माधवसेन को बंदी बना लिया है। इस बिंदु पर अमात्य व्याहतप याज्ञसेन से अग्निमित्र को एक पत्र पढ़ता है, जो कैदियों के आदान प्रदान के लिए एक सौदे पर वार्ता करने के बारे में कहता है। अग्निमित्र ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और अमात्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वीरसेन याज्ञसेन के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करे। अमात्य वैतप के जाने के बाद दरबारी बुद्धि और राजा के मित्र विदूषक गौतम उनसे मिलने आते हैं। अग्निमित्र मालविका को एक बार देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं और इसलिए विदुष का नृत्य गुरु
गणदास और हरदत्त के शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना तैयार करते हैं। मालविका इन शिष्यों में से एक है और इस तरह अग्निमित्र उनकी एक झलक पा सकेंगे। हालांकि रानी को संदेह है, लेकिन फिर भी वे अनुमति देते हैं। प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। श्रद्धेय महिला परिव्राजिका को निर्णयकर्ता के रूप में चुना जाता है। मालविका अपना सुंदर और मनमोहक नृत्य दिखाती है, जबकि प्रेम से अशक्त राजा उसकी नृत्य को दावत देता है, क्योंकि वह गाती और नाचती है। उसके समाप्त होने के बाद राजा मध्याह्न भोजन के लिए विश्राम लेता है और प्रतियोगिता स्थगित हो जाती है। रानी धारिणी देखने के बाद सम्राट से मालविका की सावधानीपूर्वक रक्षा कर रही है। रानी का पैर घायल हो गया है, इसलिए वे मालविका को अपने पैर से अशोक के पेड़ को लात मारने के लिए भेजते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक की पेड़ की फूल एक खूबसूरत महिला की पैर से लात मारने के बाद ही खिलते हैं। धारिणी मालविका को भेजती है ताकि वे जल्दी खिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो 5 दिनों के भीतर वे मालविका को उपहार देंगे। फिर बकुलवाली का प्रवेश करती है और मालविका के पैरों को रंगों पायल के फूलों से सजाती है। हालांकि सम्राट और विदुष्का उसे देखने के लिए उद्यान में छिपे हुए हैं। वे अंत में मिलते हैं और यहाँ मालविका राजा के लिए अपना प्रेम प्रकट करती है। सम्राट खुद को दिखाता है, लेकिन उसकी बातों को दूसरी रानी ईरावती ने बिगाड़ दिया, जो मालविका को विदा करती है और फिर गुस्से में चली जाती है। चर्चा करने पर रानी ईरावती और रानी धारिणी मालविका और बकुलवालिका को बंदियों के रूप में एक तहखाने में रखने का फैसला करती है और द्वारपाल को आदेश देते हैं कि जब तक रानी के सांप के मोहर की अंगूठी उसे नहीं दिखाया जाती, तब तक उन्हें रिहा ना करें। विदुष्का को इस बारे में पता चल जाता है और वे उन्हें मुक्त करने की योजना बनाती है। जैसे ही रानी धारिणी अपने घायल पैर की देखभाल कर रही थी, जिसमें परिव्राजिका शामिल थी, विदुष्का आते हैं और एक सांप द्वारा काटे जाने का स्वंग करते हैं, क्योंकि वे फूल तोड़ रहे थे। फिर चिकित्सक ध्रुवा सिद्धि विदुष्का को ठीक करने के लिए रानी की सांप की अंगूठी मांगते हैं और रानी उसे बिना सोचे समझे दे देती है। विदुष्का के साथ सम्राट अंतात मालविका और बकुलवालिका को कारावास से मुक्त करते हैं। विदुष्का बाहर पहारा देते हैं, लेकिन सो जाते हैं। ये एक द्वारपाल द्वारा देखा जाता है, जो रानी ईरावती को इसके सूचना देता है। रानी ईरावती वहां जाते हैं और उन सभी को ढूंढते हैं। राजा असमंजस में है कि आगे क्या करे या क्या कहे। उन सभी ने राजकुमारी वासुलक्ष्मी के दुर्घटना का समाचार सुना और सब प्रस्थान कर गए। इस समय तक यवनों ने फिर से मथुरा तक अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया है। पुष्यमित्र जो अब एक वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा अश्वमेध यज्ञ करते हैं। वासुमित्रा और उनके भाई वासुजेश को उनके दादाजी ने अपने 100 रथों का नेतृत्व करने और अश्वमेध की अश्व की रक्षा करने के लिए चुना है। अश्व उत्तर पश्चिम तक पहुंचता है और सिंधु नदी पर रुकता है। नदी के दाहिने किनारे पर भटकते समय इसे यवन घोड़सवारों द्वारा पकड़ लिया जाता है। शुंगो और यवन सेनाएं अब घोर संग्राम में लगे हुए हैं। यवन घुड़सवारों को रथों ने कुचल डाला। वासुमित्र शक्तिशाली धुरंधर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और उस उत्कृष्ट घोड़े को बचा लेते हैं। इस बीच दक्षिण में वीरसेन ने याज्ञसेन को हरा दिया और विदर्भ पर अधिकार कर लिया। ये सूचना जल्द ही विदिशा पहुंचती है। अब तक 5 दिन में अशोक का पेड़ भी लहा लहा उठा है। विदर्भ की 2 बंदी दासियों को पेश किया जाने पर अग्निमित्र रानी धारिणी मालविका और अन्य सभी मौजूद है। वे मालविका को पहचानते हैं। ये पता चला है कि मालविका वास्तव में माधवसेन की बहन थी, जबकि परिव्राजिका माधवसेन की मंत्री सुमति की बहन थी। जब विदर्भ में माधवसेन को बंदी बना लिया गया था, सुमति
मालविका और परिव्राजिका के साथ विदिशा की ओर जा रहे थे, लेकिन राजमार्ग के लोगों ने हमला कर उसे मार डाला। दोनों लड़कियां तब तक अलग हो गई जब तक कि उन्हें विदिशा का रास्ता नहीं मिला। परिव्राजिका ने मालविका का पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि उसे एक साल तक नौकर रहने की भविष्यवाणी की गई थी। अब तक यवनों पर वासुमित्र की विजय का समाचार भी विदिशा पहुंच जाता है। ऐसे खुशी के क्षण में रानी धारिणी राजा अग्निमित्र और मालविका का मिलन के लिए अपनी सहमति देते हैं। अग्निमित्र विदर्भ को माधव सेन और याज्ञसेन द्वारा संयुक्त रूप से शासित होने का आदेश देते हैं और राज परिवार पुष्यमित्र द्वारा की जाने वाली यज्ञ में भाग लेने के लिए पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करता है। अग्निमित्र 8 वर्षों तक शासन करता है और राजाओं की एक पंक्ति द्वारा सफल होता है, लेकिन वासुमित्र के शासनकाल से विभिन्न शुंग मित्रों के बीच साम्राज्य टूट गया। राजा भागभद्र के समय तक साम्राज्य और यवनों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई लगती है। यवन राजा एंटियलसीडस निकेफोरस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को सम्राट भागभद्र के दरबार में भी भेजा और इसीलिए हेलियोडोरस विदिशा में भगवान विष्णु के भक्ति में गरुड़ का एक स्तंभ स्थापित करता है। और इस तरह प्राचीन भारत के एक स्वर्णिम काल का अंत हुआ।